Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. तो हम सभी के घरों में दो दिन के अंदर अंदर गणपति बप्पा विराजने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए कुछ न कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए पीनट की मोदक की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो आप गणपति बप्पा के स्वागत के लिए या फिर जब वो 11 दिन अपने घर पर विराजते हैं तब कभी भी बना करके उन्हें भोग की तरह चढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी सी पीनट मोदक की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक पैन में 1 कप पीनट डाल दीजिएगा और उन्हें लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा फ्लेम को बिल्कुल भी मीडियम या हाई मत करिएगा, वरना जो पीनट है उनका कलर चेंज हो जाएगा और अपनी मोदक में एक अलग सा कलर आएगा। लेकिन हमको व्हाइट कलर की मोदक चाहिए, इसलिए बस लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रोस्ट करिएगा। उसके बाद जब इसका छिकल इस तरीके से निकलने लगेगा तो इन्हें एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि 1 कप पीनट है तो उसी का आधा शक्कर लेनी है और उसी का आधा हमको पानी लेना है। उसके बाद जब पीनट पूरी ठंडी हो जाए तो उनके छिकल निकाल दीजिएगा और उन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा जब तक कि उनका एक पाउडर ना बन जाए। तो देखिए अब जो अपनी पीनट थी उनका एक पाउडर बन करके रेडी हो गया है। तो अब इन्हें साइड में रख दीजिएगा और उसके बाद एक पैन में जो 1/2 कप हमने शक्कर ली थी उसको ऐड कर दीजिएगा और उसके ऊपर से 1/4 कप जितना पानी ऐड कर दीजिएगा और इसकी एक चाशनी तैयार कर लीजिएगा और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक होने दीजिएगा और इसकी एक तार की चाशनी रेडी करनी है। तो देखिए अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट के लिए चला चला कर कुक करने के बाद इसकी एक तार की चाशनी जो है वो रेडी हो गई है और ये जो है हल्की सी चिपचिपी भी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। तो अब जो हमने पीनट का पाउडर बना करके रखा था उसे भी इसमें ऐड कर दीजिएगा और इसे तुरंत जल्दी जल्दी मिक्स करने लगे जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो आप इसमें काजू जैसा फ्लेवर देने के लिए 3 से 4 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पीनट के साथ कोकोनट का फ्लेवर अच्छा लगता है तो 3 से 4 टेबलस्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा जब तक कि ये ऐसे इकट्ठा ना होने लगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा और अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। तो देखिए अब ये अच्छी तरीके से इकट्ठा हो गया है, तो अब जो गैस है उसे ऑफ कर दीजिएगा और उसके बाद इसे बंद गैस पर भी 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद इसे 2 प्लेट्स में अलग अलग डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक येलो कलर की और एक पिंक कलर की मोदक बनाना दिखाऊंगी, इसीलिए मैं इसे 2 जगह डिवाइड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे एक ही कलर में या फिर इसे पूरा प्लेन वाइट भी बना सकते हैं। तो देखिए अब मैंने इसे 2 जगह डिवाइड कर लिया है। अब एक में मैं येलो फूड कलर डालूंगी और एक में मैं रेड फूड कलर डाल करके दोनों कलर्स को प्रिपेयर कर लूंगी। तो देखिए अब दोनों कलर्स बन करके रेडी हैं। अब एक मोदक का मोल्ड ले लीजिएगा और उसको ऐसे हल्का सा घी के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा और उसके बाद इसे ऐसे इस तरीके से बंद कर दीजिएगा और कोई सा भी कलर लेकर के इसे मोदक के मोल्ड के अंदर डालिएगा और जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से प्रेस कर करके बनाइएगा ताकि जो हमारा जो पीनट वाला बैटर है वो अच्छी तरीके से इसमें सेट हो जाए। और उसके बाद इसे ऐसे खोल करके मोदक को बाहर निकाल लीजिएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी सुंदर सी मोदक बन करके एकदम रेडी है। तो अब आप इसी तरीके से सारी मोदक्स बना करके रेडी कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने सेम उसी तरीके से दूसरे कलर की भी मोदक बना करके रेडी कर ली है और देखिए अब मेरी सारी मोदक बन करके एकदम तैयार हैं। अब लास्ट में इनके ऊपर से अगर आपको एकदम मार्केट वाला लुक देना है तो जो ऑरेंज फूड कलर आता है उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिएगा, या फिर अगर आप चाहें तो केसर के धागों को गर्म दूध में डालकर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए मैं ऑरेंज फूड कलर को थोड़े से पानी में मिला करके इसके ऊपर ऐसे लगा रही हूँ। तो देखिए ये कितना अच्छा लुक दे रही हैं और लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी। और ट्रस्ट मी गाइस ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी हैं। मैंने अभी टेस्ट नहीं करी हैं लेकिन आप इन्हें बना करके ज़रूर टेस्ट करिएगा और जब गणपति पापा आपके घर पर बैठेंगे तो इन्हें बना करके उन्हें भोग प्रसाद की तरह ज़रूर चढ़ाइएगा और मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड गणपति बप्पा मोरया।